सत श्री अकाल प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह मनहास, लेक्चरर फिजिकल एजुकेशन, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंबाला जट्टा, जिला होशियारपुर। अज आप जी के सामने जमात बारहवीं का पाठ नंबर 3 शरीर सिक्ख्या अते किते, मतलब कि फिजिकल एजुकेशन के कड़े कोर्सेज हैं जिन्हें करन तो बाद असी फिजिकल एजुकेशन के नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। आओ पढ़िए। इस दे विच जेकर असी गल करिए फिजिकल एजुकेशन की, फिजिकल एजुकेशन का जिहड़ा किता है ये साढ़े अज का नहीं है। जेकर असी पुरातन समय की भी गल करिए उस वेले भी फिजिकल एजुकेशन का जिहड़ा इतिहास जे पढ़िए तो साडा इतिहास उदों का है जदों के सानू महाकाव्यकाल प्राप्त होया। जेकर असी पिछले महाभारत रामायण बारे भी पढ़िए तो सानू उस वेले भी पता है कि जिहड़े उस वेले भी कई इदां दी व्यायामशाला सीगियां, कई इदां दे गुरुकुल सीगे जिन्हां दे विच शरीरिक सिक्ख्या बारे ट्रेनिंग दित्ती जांदी सीगी। ओह जिहड़ी ट्रेनिंग हैगी ओह सानू सिर्फ सैल्फ डिफेंस वास्ते, अपने बचाव वास्ते, अपने प्रजा के बचाव वास्ते, कई तरह के काम करने वास्ते दिती जाती है। तो जेकर असी एक गल कही कि जेकर साड़ी जिहड़ी फिजिकल एजुकेशन है इसका पिछोकड़ उन्ना ही पुराना है जिन्ना कि साढ़े समाज के विच साडा इतिहास। अज तो पहला भी फिजिकल एजुकेशन नू मन्निया जांदा हैगा, उन्हां दे कोर्सेज हुंदे हैगे, लेकिन वह कोर्सेज इदां दे नहीं सीगे कि उन्हां नू किसी जॉब दे विच सेट चैनलाइज़ किया जाए जा उसनू किसी होर वे ना देखा जाए, लेकिन पाठशाला सीगियां उस दे विच काफ़ी जिहड़ा हिस्सा हैगा वह फिजिकल एजुकेशन दे पार्ट नू विच पाया जांदा सीगा। तो आओ असी पढ़ते हैं कि हुण जिहड़ा हुण नवां समा चल रहा इस दे विच फिजिकल एजुकेशन दे किहड़े किहड़े कोर्सेज हन ते वह कोर्सेज नू किद्दां लिया गया। तो एक जेकर असी गल करिए कि 1920 तो बाद फिजिकल एजुकेशन अते स्पोर्ट्स नू स्कूल दे विच एज ए सबजैक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। 1920 दे विच इस नू फिजिकल एजुकेशन नू स्कूलां दे विच एज ए सबजैक्ट शुरू किया गया। उस तो पहला फिजिकल एजुकेशन नू स्कूलां दे पाठ्यक्रम दे विच शामिल नहीं किया गया है। 1920 दे बाद भी जिहड़े इहदे एक्सपर्ट सीगे, इहदे टीचर सीगे, ओह सेवा दे जिहड़े फौज दे विच सेवा कर रहे जां सेवा कर हटे सीगे उहनां ओह फौजियां नू इहनां दी जिम्मेवारी दित्ती गई। इहनां दा कोई पर्टिकुलर अलग खेडां दा अध्यापक, फिजिकल एजुकेशन दा अध्यापक नहीं बनाया जांदा सीगा। फिर जदों अंग्रेज समाज आया तो उन्होंने आके इस नूं होर मोडिफाई किया, तो उन्होंने काफ़ी हद तक देखिया कि फिजिकल एजुकेशन नूं इस दे विच शामिल किया जाए, स्कूली एजुकेशन दे विच बतौर फिजिकल एजुकेशन टीचर नूं रखिया जाए। उस दे लई अलग अलग तरह के कॉलेज खोले गए। जदों अंग्रेज भारत विच आए फिर उन्होंने अपने बच्चों नूं पढ़ाने दे लई एजुकेशन देन दे लई फिजिकल एजुकेशन नूं उहदे विच शामिल करन दी जरूरत समझी, जिहदा क्रैडिट एच सी बक, हैरी क्रो बक नूं जांदा है, जिन्हां दे जतना सदका फिजिकल एजुकेशन नूं बतौर एज ए सबजैक्ट स्कूलिंग स्कूलों के शामिल किया गया, स्कूल एजुकेशन के शामिल किया गया। 1920 के यंग मैन क्रिश्चन एसोसीएशन जिहड़ी कि मद्रास उस समय तो हुण दे समय चेन्नई दे विच स्थापित है, इहदे विच फिजिकल एजुकेशन से संबंधित कोर्स शुरू किए गए। यंग मैन क्रिश्चन एसोसीएशन ने स्कूल खोलिया, फिर हौली हौली रेनोवेट करने तो बाद यंग मैन क्रिश्चन एसोसीएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की गई। तो जेकर असी यह गल कही कि नवे समय के जड़ा फिजिकल एजुकेशन नू शुरू करन दा जड़ा क्रेडिट है सारा एच सी बक, हैरी क्रो बक नू जांदा है, जिन्हां दे जितना सदका फिजिकल एजुकेशन नू स्कूल एजुकेशन दे विच स्थापित किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। यंग मैन क्रिश्चन एसोसीएशन मद्रास जड़ा कि हुण चेन्नई दे विच है, इहदा एक फिजिकल एजुकेशन दा कॉलेज खोलेगा, यंग मैन क्रिश्चन एसोसीएशन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन जड़ा कि चेन्नई दे विच स्थापित है। इस दे विच मद्रास सरकार वल्लों इन्हां नूं काफ़ी वित्तीय सहायता दित्ती गई। इहदी सफलता तो बाद बाकी इलाकियां विच, बाकी एरिया दे विच, बाकी जगह दे उत्ते भी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज खोले गए, जिन्हां दे विच ग्वालियर दे विच लक्ष्मी बाई नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जिहड़ा कि अज दे समें विच LNIPE, जिहड़ा पहला नाम सीगा लक्ष्मी बाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर दे विच स्थापित किया गया। हुण इह एक डीम्ड यूनीवर्सिटी बन गई है तो इहदा नाम बन गया LNIPE,
लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये भी एक बहुत ही बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट है फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो ये हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ये भी फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत कोर्स कराते हैं। इन्हों के भी विद्यार्थी कोर्स करन तो बाद फिजिकल एजुकेशन के सर्व कर सकते सर्विस कर सकते हैं। फिर पंजाब के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोफेसर गुरसेवक सिंह, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पटियाला, बहुत ही प्रतिष्ठित ते बहुत ही बढ़िया ते बहुत ही नामी कॉलेज है, जिन फिजिकल एजुकेशन संबंधित बहुत ही अध्यापक पंजाब नूं ते भारत नूं दित्ते हन। ये पटियाले विच स्थापित है। अलग अलग तरह के जगह के उत्ते फिजिकल एजुकेशन का जो एक प्रथा चल गई, एक चल गया कि कॉलेज खुलने शुरू हो गए, फिजिकल एजुकेशन नूं एक चंगा अहम भूमिका वालों लिया गया, तो अलग अलग जगह के उत्ते फिजिकल एजुकेशन के कोर्स शुरू हुए। हुण असी अगे पढ़ांगे कि कोर्स हैं जिन्हों कोर्सों करके असी फिजिकल एजुकेशन के नौकरी प्राप्त करते हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, हुण असी देखांगे कि कौन-कौन कोर्स है। सब तो पहला आता DPED। DPED जिहड़ा कोर्स है इहदा नाम है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन। इहदी जिहड़ी योग्यता है ये 12वीं जमात है। 12वीं जमात के करन तो बाद तुसीं DPED कर सकते हो। पहला यह एक सर्टिफिकेट कोर्स हुंदा हैगा CPED, सर्टिफिकेट इन फिजिकल एजुकेशन, जिहड़ा एक साल का कोर्स हुंदा हैगा। तो 10वीं जमात करन तो बाद इसनू तुसीं CPED कर सकते हैं। लेकिन हुण दे समें विच इहनू CPED नू बदल के DPED करता गया, जिसका नाम है डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, जिहड़ा कि 12वीं जमात करन तो बाद हुंदा है। तो इस दे विच दाखला लैण वास्ते तुहानू संबंधित स्ट्रीम दे विच प्लस टू की होनी चाहिए है। तो तुसीं फिजिकल एजुकेशन का एक टैसट हुंदा फिज फिटनेस का, वो तुसीं करना है। वो करन तो बाद तुसीं इहदे विच शामिल हो सकते हो, इस कोर्स नूं कर सकते हो। ये कोर्स का समा है 2 साल, 12वीं जमात करन तो बाद 2 साल का इहदा समा लगता है। तो ये करन तो बाद तुसीं किसी स्कूल दे विच बतौर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, मतलब PTI दी पोस्ट दे अगेंस्ट असामी दे लई अप्लाई कर सकते हो। तुसीं PTI दी पोस्ट दे लई एलिजिबल हो जाने हो। उस तो बाद अगे आंदा BPED, BPED बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये 4 साल कोर्स है। इहदी जिहड़ी एलिजिबिलिटी है वो सेम DPED वाली है। 12वीं जमात के संबंधित विषय के प्लस टू की है तो तुम BPED कर सकते हो। ये 4 साल की है, प्लस टू करन तो बाद 4 साल की BPED करते हो। तो करन तो बाद बतौर स्कूल दे विच बतौर DPE, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, DPE की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तुम DPE की पोस्ट आसामी भर सकते हो। इहदा जिहड़ा भी फिजिकल एजुकेशन का जिहड़ा फिजिकल फिटनेस का टैसट हुंदा है वह सेम हुंदा है। तुसीं उहदियां शर्तां जिहड़ियां इहदियां DPED दियां शर्तां है उही शर्तां इहदियां। उस तो बाद BPED है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 2 साल कोर्स। जिहड़ा पहला आपां डिस्कस कीता है वह 4 साल कोर्स सीगा, इह जिहड़ा कोर्स है इह 2 साल कोर्स है। इह जिहड़ा तुसीं ग्रैजुएशन करन तो बाद तुसीं इस कोर्स नूं विच शामिल हो सकते हो, कोर्स नूं ज्वाइन कर सकते हो। इहदे विच तुहानूं 2 साल लगते हैं ग्रैजुएशन करन तो बाद। तुसीं जेकर तुसीं BPED ग्रैजुएशन कीती है, तुसीं BPED 2 साल कोर्स कर सकते हो। ये करन तो बाद तुसीं एक स्कूल दे विच बतौर DPE दे लई एलिजिबल हो जाते हो। ये कोर्स करन तो बाद तुसीं DPE दी पोस्ट दे लई एलिजिबल हो जाते हो। उस तो बाद मास्टर कोर्स इन्हां दे मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन MPED मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये 2 साल कोर्स है। ये BPED करन तो बाद तुसीं एक कोर्स कर सकते हो। जे तुसीं 4 साल BPED कोर्स कीता है तां वी तुसीं MPED कर सकते हो। जेकर तुसीं 2 साल BPED कोर्स कीता है तुसीं तद भी MPED कर सकते हो। MPED 2 साल का कोर्स है। ये करन तो बाद तुसीं बतौर लैक्चरर दी असामी लई अप्लाई कर सकते हो। 2 साल के कोर्स करन तो बाद तुसीं बतौर एज ए लैक्चरर स्कूलों के विच ते कॉलेज के विच, जे तुसीं कॉलेज विच लगना है तां तुहानूं नैट UGC के जिहड़े टैसट हुंदे हन नैट वो तुहानूं क्लीयर करना पैंदा है। तो तुसीं कॉलेज के विच बतौर लैक्चरर सेवा निभा सकते हो। जे तुसीं स्कूल विच लगना तां तुहानूं नैट की जरूरत नहीं, लेकिन विभागी टैसट हुंदा है वो तुहानूं देना पैंदा है। वो देने तो बाद तुसीं एक स्कूल दे विच एज ए लैक्चरर सर्विस कर सकते हो। इस तो अगे आ जाता MPhil।
मास्टर ऑफ फिलोसफी, ये एक रिसर्च कोर्स है, मास्टर कोर्स है, रिसर्च कोर्स है। इस दे विच तुहानू एमपीएड दे विच तकरीबन 55% तों उत्ते नंबर लेने लेने पैंदे हन। ये एक तुसीं कोई रिसर्च की करनी पैंदी है, तुसीं एक छोटी रिसर्च कर सकते हो। एमफिल दे विच जिहड़ी इहदी एलिजिबिलिटी है वह है एमपीएड। एमपीएड करन तों बाद तुसीं एमफिल कर सकते हो। इस दा जिहड़ा समां लगदा है एक साल तो थोड़ा जिहा ज़्यादा लग जांदा है, एक साल दा तां समां हुंदा है। ते इह करन तों बाद तुसीं बतौर कॉलेज दे विच बतौर कॉलेज के लैक्चर लग सकते हो, लेकिन थानू फिर UGC के जो नॉर्म्स है वह फुलफिल करने पैंते, नैट देना पैंता है, वो अलग अलग तरह के नॉर्म्स उन्होंने रिवाइज होंगे रहते हैं। कॉलेज के प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो जे तुम उन्होंने जोड़े नॉर्म्स है वह फुलफिल करते हो। अगे आ जाता है PhD। PhD जोड़ा है वह है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। ये एक रिसर्च वर्क है कि तुम किसी विषय के उत्ते खोज करनी है। यदि जी क्वालिफिकेशन है PhD की वह है MPED। MPED विच करन तो बाद तुसी PhD कर सकते हो। इस दा जिहड़ा समा है वह 3 साल तो वध लग जाता है। इस दे विच तुहानू किसी पर्टिकुलर फील्ड दे विच किसी विषय के उत्ते तुहानू रिसर्च करनी पैंदी है। रिसर्च करन तो बाद तुहाडा थीसिस बनता है, तुसी रिसर्च जिहड़ी अपनी कीती है उहदी पेश करनी हुंदी है यूनिवर्सिटियां दे नॉर्म्स दे अनुसार, उहनू कंप्लीट करना। यह करन तो बाद तुसी कॉलेज दे विच जां किसी यूनिवर्सिटी दे विच एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जां प्रोफेसर दी पोस्ट दे लई अप्लाई कर सकते हो, लेकिन जिहड़ियां UGC दीआं समें समें दीआं हदायतां आउंदीआं रहिंदीआं हन उह तुहानूं कंप्लीट करना पैंदा है। नैट है जां कई जां पासे PhD दा कई टाइम दे विच एग्जम्प्टड भी है कि तुसीं PhD कीती है इन्नै 2009 आई थिंक, अलग अलग UGC दे नॉर्म्स आउंदे रहिंदे हन, रिवाइज होंदे रहिंदे, उस अनुसार तुसीं कॉलेज दे विच ए फिजिकल एजुकेशन विषय के लिए तुसीं एज ए प्रोफेसर असामी के लिए तुसीं अप्लाई कर सकते। अगे आता है फिजिकल एजुकेशन की जिहड़ी अगली डिग्री है वह है DLIT, मतलब डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। जिहदे भी जिहड़ा PhD कर लैंदा है, PhD करन तो बाद तुसीं इस रिसर्च नूं होर भी अगे वधाउणा चाहते हो तुसीं DLIT कर सकते हो। DLIT भी एक रिसर्च वर्क है, तो DLIT उही विद्यार्थी कर सकता है जिन्हें PhD की है। PhD करन तो बाद तुसीं DLIT कर सकते हो, तो तुहानूं इह रिसर्च वर्क है। यह करन तो बाद तुसीं DLIT होल्डर हो तो तुसीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी दे विच बतौर लैक्चरर सेवा निभा सकते हो। जदों तुसीं PhD कर लैंदे हो तुहाडे नां दे सामने डॉक्टर शब्द जुड़ जाता है। यह है फिजिकल एजुकेशन दे ओह कोर्सेस जिन्हां नूं करन तो बाद तुसीं अपना फिजिकल एजुकेशन दे विच अपनी जिहड़ी परफॉर्मेंस दस सकते हो, नौकरी कर सकते हो। और कोर्सेज़ है, कोर्सेज़ करन तो बाद तुसीं वख-वख असामियां दे विच अपने आप नूं पेश कर सकते हो, तो तुहाडा जिहड़ा इहनूं कित्ता बतौर चुन सकते हो। प्यारे विद्यार्थियो, अज असीं ओह कोर्सां दे बारे पढ़िया जिन्हां नूं करन तो बाद असीं फिजिकल एजुकेशन दे विच एज ए अध्यापक सेवा निभा सकते हैं। जिहदे विच 12वीं करन तो बाद असीं DPED, फिर 12वीं करन तो बाद BPED 4 साला कोर्स, बाद चो ग्रैजुएशन करन तो बाद सानू BPED 2 साला कोर्स, फिर MPED, फिर MPhil, फिर PhD एंड दैन DLIT, इन्हां कोर्सां बारे पढ़िया। फिजिकल एजुकेशन दे संबंधित होर बहुत कोर्सेज हन जिन्हां नू असी करन तो बाद अलग अलग पासे नौकरी प्राप्त कर सकते। इस दे विच फिजियोथैरेपिस्ट दे कोर्स हन, योगा दे कोर्स हन, ओह तुहानूं अगले लैक्चर दे विच पढ़ाया जाऊगा। जेकर तुहानूं इस संबंधी लैक्चर दे विच कोई डिफिकल्टी है जां कोई क्वेश्चन है, तुसीं मैनूं मेरे WhatsApp नंबर ते जां कमेंट सैक्शन दे विच कमेंट करके तुसीं क्वेश्चन पूछ सकते हो। आशा करदा हां कि मेरे वल्लों दित्ती गई जानकारी लई तुसीं संतुष्ट होवोगे, ते अगे तो होर वधिया लैक्चर होर वधिया विषय के नाल लैके तुहानूं पेश होया जाऊगा। तद तक आग्या दिओ, धन्नवाद, जय हिंद।